हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और हेल्दी केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे व्हीट फ्लावर से बनाया है, नो मैदा एडेड। एगलेस है, तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार में डाला है 2 पके हुए केले। फिर इनमें हम डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही, साथ में डालेंगे 1/2 कप चीनी। आप चाहे तो अनफ्लेवर्ड ऑयल डालें या फिर बटर डाल सकते हैं। मैंने डाला है 1/4 कप मेल्टेड बटर। सभी को साथ में स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब जितनी भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है हमें केक बनाने के लिए चाहिए, उन सभी को छान लेना है जिससे कि कोई लम्स ना हो, केक मिक्सचर इजीली मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 कप होल व्हीट फ्लावर, यानी कि गेहूँ का आटा। फिर इनमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सभी को अच्छे से छान लेना है। तो आप चाहे किसी भी तरह का केक बनाएं, सही मेजरिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। विदाउट मेजरिंग अगर आप ऐसे ही केक बनाते हो तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उनके सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनने का। तो जब भी आप केक बनाओ तो सही मेज़रमेंट के साथ बनाओ। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ में मैंने डाला है मिल्क। मिल्क हम टोटल डालेंगे 1/2 कप। फिर इनमें डालेंगे वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस का टेस्ट मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पसंद है, तो इसे मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। ढेर सारे डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने डाले हैं वॉलनट, आलमंड, बादाम, काजू, और हाँ, आप इनमें किशमिश भी डाल सकते हैं। हर एक बाइट में जब ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाते हैं, तो आप इनमें ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा केक मिक्सचर रेडी है, इसे अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे केक टिन में। बटर पेपर ज़रूर लगा लें जिससे कि केक ईजिली निकल जाए, और अगर बटर पेपर ना हो तो ऑयल एंड मैदा या फिर आटा किसी से भी डस्टिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम केक मिक्सचर के ऊपर डालेंगे ढेर सारे वॉलनट एंड मेलन सीड्स। अगर आपके पास मेलन सीड्स ना हो तो आप रोस्टेड ओट्स भी डाल सकते हैं, लुक वाइज बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो चलिए इसे अब हम बेक कर लेते हैं कढ़ाई में। मैं इसे बेक करूँगी लो फ्लेम पे 40-45 मिनट्स के लिए। अगर आपका कढ़ाई थोड़ा मोटा है तो बेकिंग प्रोसेस में टाइम लग सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी देर और बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सुपर सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एगलेस वॉलनट बनाना केक रेडी है। तो देखा ना इसे बनाना कितना आसान है, किसी भी सेलिब्रेशन के लिए बनाओ और इन्जॉय करो। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट यमी रेसिपी के साथ।